आप देख रहे हैं ARTV चैनल। जुमेरात को अला सुबह चंद्रनगुटा के DRDL रोड पर एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर का नामालूम अफराद ने मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। मुतासरात 30 साल शाकिर साकिन भवानी नगर को इसके जानने वालों ने रात में लोगों के ग्रुप के साथ देखा था। सुबह के औकात में इसकी नाश DRDL रोड पर खून में लुतपुत पाई गई। जिस्म पर कई जख्म के निशान भी देखे गए। इत्तला मिलने पर चंद्रनगुट्टा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए करीबी अस्पताल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया। मुकदमा दर्ज किया गया है और हमलावरों को पकड़ने के लिए 3 टीमें तश्कील दी गई है। मीडिया से बात करते हुए ACP फलकनुमा सैयद जहांगीर ने क्या कहा, आइए देखते हैं। आज चंद्रनगुट्टा पुलिस स्टेशन एरिया में यहाँ पर अपने DLRL गेट के कंपाउंड वॉल के बाजू में एक शख्स मोहम्मद शाकिर बोलने वाले 30 साल तालाबकट्टा अमन नगर में रहने वाले उन्होंने जो ऑटो ड्राइवर काम करते हैं उन्होंने बालापुर से महिंद्रा टेम्पो में लोड लेके जा रहे थे तो उनको बीच रास्ते में रोक के कोई एक दो आदमी मिर्ची चिल्ली पाउडर छिड़क के उनका गला काट के और चाकू से हमला करके उन पर उनको मर्डर किया गया। वो सिलसिले में कौन करे, क्या करे, किस लिए करे, वो तहकीकात चल रहा। तो हम लोग वो लोगों को अरेस्ट करने के लिए टीम्स डिप्लाई करें, ये तहकीकात चल रहा, पूरा होने के बाद आप लोगों को बताएंगे। सर, ये वारदात कब हुई कुछ अंदाजा? सुबह 6:30 के बीच में। इसके वजूहात कुछ? तो ही बोल रहा ना, तहकीकात चल रहा उसके बारे में। तो हमारे को कोई नहीं बताया कि चल रहा, जब इन्वेस्टिगेशन है चल रहा तो हम नहीं बता सकते। आप देख रहे हैं